अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शेरीज मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ अंडा चिंगारी। ज़बरदस्त रेसिपी है, कुछ समझ ना लगे तो इस रेसिपी को फॉलो करें। यहाँ पे मैंने चार एग्स ले लिए और यहाँ पे देखें मैंने काली मिर्च ली है और नमक ली है दो दो चुटकी के करीब। तो इसे डाल के अच्छे से हम लोग सबसे पहले बैंट लेंगे। पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया, जहाँ पे तकरीबन जस्ट मैंने 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल डाल के अच्छे से पैन को हम लोग कर लेंगे गरम। एग्स ऐड कर देंगे। अब इस एग को हम लोगों ने स्क्रैम्बल कर लेना अच्छे से, इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। 1 से 2 मिनट फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है, हिलाएंगे इस तरह से। ये देखिए ऐसे करके अच्छे से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेरीज मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फैमिली फ्रेंड में शेयर किया करें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करें, सजेशन दें। चलें अब इसे पलट लेंगे और इक्वली कुक कर लेंगे अच्छे से। ये स्क्रैम्बल एग हमारा रेडी हो चुका है। अब इस तरफ इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे रेडी हो चुके हैं। पैन में कुकिंग ऑयल लेंगे तकरीबन 1/2 कप के करीब, अच्छे से गर्म कर लेंगे। फ्लेम को हाई किया हुआ है मैंने और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे बारीक, मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। इसी तरह आपने भी बारीक प्याज को कर लेना है, फ्लेम को हाई करना और इसे हम लोग करेंगे फ्राई। यहाँ पर मैंने इसे 1 मिनट फ्राई कर लिया, इसे बस बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना। यहाँ पे अदरक लहसुन देखे मैंने 1-1 टेबल स्पून लिया, वो डाल के अच्छे से भूनने के फ्लेम को हाई रखेंगे और अदरक लहसुन का कच्चापन जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। ये देखिए अब यहाँ पे अच्छे से अदरक लहसुन और प्याज की भुनाई हो चुकी है। यहाँ पे मैं तकरीबन 2 टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी, साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टीस्पून के करीब। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें। तो इसको मिक्स कर लेंगे साथ ही, और इसके साथ कुछ पाउडर मसाले जाएंगे, मैं आपको बता देती हूँ। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, हल्दी पाउडर है और 1/2 टीस्पून क्रश रेड चिली है और यहाँ पे सूखा धनिया है और गरम मसाला पाउडर है। और इन सबको हाई फ्लेम पे मैंने करके मिक्स कर लेना, इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। मैं यहाँ पर 1 भरा आलू ऐड कर रही हूँ क्योंकि बच्चे आलू शौक से खाते हैं। वैसे अंडा चिंगारी में आलू होता तो नहीं है, लेकिन आप फ्लेवर को अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर मैंने इन आलूओं को फ्राई कर लेना है जस्ट 1 मिनट के लिए। ये इन आलूओं को गलाने के लिए मैं तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये आलू मैंने बारीक बारीक काटे हैं तो पानी थोड़ा ही इसमें जाएगा। और अब इसे कर देंगे कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे गला लेंगे, या इतना आप इसे मतलब पकाए जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चेक कर लेते हैं, 3 मिनट हो चुके हैं, तो ये आलू हमारे गल चुके हैं और ये देखिए ऑयल किनारों पर आ चुका है। और अब इस स्टेज पे हम लोग डाल देंगे इसके अंदर, ये मैंने मटर बॉईल करके रखे हुए थे तो इसलिए मैं मटरों को अलग से डाल रही हूँ। चलेंगी ये देखें, मैंने आलूओं के साथ इसलिए डाले थे क्योंकि फिर इन्होंने ना ज़्यादा हार्ड हो जाना था। चलें अब इस स्टेज पे ये जो स्क्रैम्बल एग मैंने किए हुए थे ये ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर देखिए मैंने 8 अंडे ले लिए थे और 1 अंडे को जो था मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया, इसे ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसे अब हम थोड़ा सा चला लेंगे इस तरह से। सर्दियों में ये डिश बहुत अच्छी लगती है, पराठे के साथ खा लेना, तो चपाती के साथ, इवन आप राइस के साथ भी इसे लेंगे तो बहुत आपको मज़ा आएगा। अब यहाँ पर तकरीबन मैंने 1/2 कप के करीब डाल देना है इसमें पानी और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे छोड़ देना है। थोड़ा सा दम लगाएंगे और यहाँ पे सब्ज़ धनिया जो मैंने भी धोया है और काट लिया था, और सब्ज़ मिर्ची मैंने स्लाइसेस कर लिए थे, 2 सब्ज़ मिर्ची मैंने ली हैं और उन्हें 1/2 कट किया है। और मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसे दम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। दम हमारा लग चुका है, चेक कर लेते हैं। अंडा चिंगारी जो हम लोगों ने बनाया कसूरी मिर्ची को ऊपर से छिड़क देंगे और गर्म मसाला भी अगर आप डालना चाहें तो आप डाल लें। तो ये देखिए ये फाइनली हमारी अंडा चिंगारी ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब इसकी मैं आपको फाइनल लुक फिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें ये अंडा चिंगारी की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और सर्दियों में हर घर में बनने वाली है। आपने इस रेसिपी को फॉलो करना, मुझे फीडबैक देना है आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इसे आप नान के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ,
पराठे के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।